तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसे रेलवे के द्वारा आज ही लॉन्च किया गया है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा रेल दृष्टि नाम की ये साइट लॉन्च की गई है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें एडवांस चीज़ें ऐड की हैं डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत। तो इस पर सारी लिंक को एक साथ दे दिया गया। देखिए, बॉटम में आप देखेंगे यदि, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉटम में होम, स्टेशन, ट्रेन और लिंक दिख रही है। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि ये क्या क्या टैब्स इसे यहाँ पर दिए गए हैं। टिकट बुकिंग के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देता है IRCTC की वेबसाइट में, जो आपको नई वेबसाइट मिलती है। यहाँ पर ट्रेन इंक्वायरी कर सकते हैं, यही इसी पोर्टल दृष्टि रेल के जरिए ही आप यहाँ पर चेक करते हैं स्टेटस, PNR स्टेटस या लाइव स्टेशन की, ट्रेन की लाइव स्टेशंस की जानकारी, ट्रेन के बिटवीन स्टेशंस की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है रेलवे के जरिए तो आप उस रेलवे के लिए कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट होता है, कंप्लेन लॉन्च करने के लिए आपको ये ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो भी आपकी कंप्लेन है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर इसके अलावा हम यदि देखें तो यहाँ पर नीचे है श्रमिक कल्याण। श्रमिक कल्याण का क्या मतलब है कि मतलब रेलवे के नेटवर्क में जो भी अनऑर्गेनाइज्ड कंपनियों के द्वारा वर्कर्स लगे हों उनकी डिटेल्स मिलती है। ओके, अब इंडियन रेलवे की यदि हम बात करें तो इंडियन के रेलवे के बारे में सारी जानकारी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, जहाँ पर सारी चीज़ें अप टू डेट आपको मिलती रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानकारी, जोनल रेलवे की जानकारी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंडियन रेलवे के द्वारा। ODC अप्रूवल के लिए होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं रेलवे में उसके लिए ODC कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ से दिखेगा। अब रेलवे की रिजर्वेशन इंक्वायरी में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो में आपको रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको दाएँ साइड में, ये जो आपका दाएँ साइड यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक ही विंडो पे आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देता है, यानी PNR इंक्वायरी, रिजर्वेशन, सीट अवेलेबिलिटी सारी। अब यहाँ पर जो नई चीज़ ऐड की गई है वो है रेलवे सुगम द फ्रेट ऐप, यानी जो भी चीज़ें आपको भिजवानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या ऐप्स, क्या फ्रेट लगेगा यानी किराया लगेगा, उसके लिए यहाँ पर ये रेलवे सुगम फ्रेट ऐप दिया गया है, जिसके जरिए आप जो है वो सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। यदि आप क्लिक करते हैं तो यदि आपकी ये फ्रेट कैलकुलेट करके बताता है, फ्रेट का रेट बताएगा इंडियन या करेंसी में, बुकड रूट या जिस रूट से आप जाएंगे, यानी जिस रूट से जाता है, जो ट्रेन से जाएंगे जिस रूट से, उस रूट का फ्रेट बताएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको स्टेशन की डिटेल लिखनी पड़ेगी, जो भी फ्रेट बुक करने की प्रोसीजर वहाँ लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना फेयर लगेगा आपका। ओके, यहाँ पर फ्रेट का रेट्स बता देगा फ्रेट कैलकुलेटर के जरिए, और बुक कर सकते हैं किस रूट से आपको ले जाना है, और टर्मिनल्स की डिटेल भी दे देगा। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। बाकी अन्य चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया जो फ्रेट के लिए, यानी जो भी लगेज आप भेजते हैं उसके जरिए। तो ये सुगम द फ्रेट अलग से ऐप नहीं है, बस एक लिंक है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा जो ऑप्शन चीज़ दी गई है रिटायरमेंट रूम बुकिंग के लिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है, मान लो आपको किसी भी स्टेशन में रुकना है और वहाँ पर आपको AC नॉन AC रूम्स बुक करने हैं, तो वहाँ पर आप इसके जरिए अपनी IRCTC की लॉगिन ID इंटर करके यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। बस आपकी डिटेल देनी पड़ेगी, फैमिली देनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा जो भी चार्जेस रहता है मिनिमम अमाउंट, और कंफर्मेशन के बाद पेड हो जाएगा और सीट आपकी अलाट हो जाएगी वहाँ पर सीटिंग के लिए। और इसके अलावा यदि हम बात करें होम की बात करें, होम पे चलते हैं, होम टैब में जो डैशबोर्ड दिखाएगा, इतना ही प्यारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर बता देता कि कितने पैसेंजर रिजर्व क्लास में गए हैं, कितनी टिकट्स की हुई है और कितनी अर्निंग हुई है टिल द डेट के लिए। PNR इंक्वायरी भी आप यहां से कर सकते हैं, सेम कंप्लेंट जो लॉग्ड हुई उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, FNR की इंक्वायरी कर सकते हैं, टेंडर यानी जो भी रेलवे में टेंडर लेना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी यहां पर कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं। इसके अलावा अनरिजर्व क्लास के लिए भी जो इनिशिएटिव क्या दिया गया है कि स्टेटस में लाइटनिंग के बारे में दिया गया है, स्टेशन का डेवलपमेंट कैसा है और स्टेशन में कहां कहां पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी जानकारी दी गई। इसके अलावा
किचन में जो सामान बनता है वहाँ पर आप कैमरे के द्वारा लाइव देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है जिसमें लॉगिन करके आप देख सकते हैं, उसमें जो भी फूड के लिए ग्रीवेंस दिए हैं आपने उसकी स्टेटस भी जान सकते हैं। यहाँ पर आपको बस जस्ट क्लिक करना है, यदि क्लिक करना है उसके बाद आपको वहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा यदि हम किसी एक पे क्लिक करते हैं जैसे किचन वाले ऑप्शन में, तो ये इस तरह लॉगिन होके बड़ा ही आसानी तरीके से ऐसे सर्च करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि कहाँ पर किस सिटी में आपको देखना है, वेज का देखना है नॉन वेज का देखना है। ओके, हाँ थोड़ा आपको ये बताएगा आखिर एक्चुअली ये लैपटॉप और मोबाइल और सभी में सपोर्ट करता है, तो ये दिखाएगा कि जिस किचन में आप का खाना तैयार हो रहा है उस किचन की ये लाइव डिटेल दिखाता है कि हाँ वहाँ पर खाना बना तो क्या साफ़ सफाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें ये दिखा रहा है। मतलब जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर आपने अहमदाबाद सेलेक्ट किया, वेजिटेरियन का खाना कैसे बनता, तो देखिए लाइव चल रहा है। अभी 9:24 है और 9:24 देखिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ये लाइव दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपका जो खाना तैयार हो रहा है वो कितना हाइजीन है, उस पर इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। इसके अलावा स्टेशंस में कितने कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उसकी डिटेल भी यहाँ सर्विस के जरिए दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, एटीएम कहाँ पर है, एस्केलेटर किधर से रहेगा, सीसीटीवी कैमरा स्टेशंस में लगे हैं या नहीं, ये देखना देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ सिक्योरिटी पर्पज़ से दी गई हैं। मतलब पहले कैसा था, मान लो आगरा कैंट का देखना है आपको, आगरा कैंट में आपने क्लिक किया, जिस भी जगह का देखना है, तो पहले क्या सुविधाएँ थी, ठीक है, और आफ्टर कैमरा लगने के बाद क्या सुविधाएं दे दी गई हैं, ये दिखाया गया है। तो ये है रेल दृष्टि का ऐप। इसमें स्टेशन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, स्टेशन का ऑप्शन यदि इसमें देखते हैं तो स्टेशन के नाम को सर्च कर सकते हैं, ट्रेन की इंक्वायरी ले सकते हैं। अलग अलग टैब के जरिए इन्होंने डिजिटलाइजेशन का इतना उपयोग किया हुआ है कि सारी चीज़ें एक ही जगह रख दी है रेलवे के दौरान। तो रेलवे दृष्टि ये .crisis.org.in है जो ये आज ही लॉन्च हुई है पीयूष गोयल के द्वारा। यदि हम इसके समाचार की बात देखें तो यहाँ पर हम रेफर कर सकते हैं, टाइम्स न्यूज के द्वारा तो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो आप बताइए कितना यूजफुल रहा है कमेंट करके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।